स्कूल के खंडहर में मिला युवक का शव जांच में जुटी पुलिस आजमगढ़ के रोत्तमपुर गांव में मदर ड्रीम स्कूल के पास मंगलवार को सुबह करीब 8 बजे एक अहाते में 20 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी मच गई। आरोप है कि एक दिन पूर्व युवक अपने चाचा के साथ नरोत्तमपुर में ही अपने पुराने घर से नए घर दूध लेकर आ रहा था, तभी दोनों के ऊपर हमला हो गया था। चाचा तो किसी प्रकार से बचकर भाग गया, लेकिन युवक प्रभात मिश्र का अपहरण कर लिया गया। रात में परिजनों की तरफ से अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया गया, लेकिन आज सुबह लाश मिल गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, महाराजगंज समेत कई थाना की फोर्स ऑफ एसओजी टीम पहुंच गई और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किया। मामले में एएसपी ग्रामीण ने बताया कि अपने परिवार में कई बहनों के बीच अकेला यह भाई था। प्रॉपर्टी विवाद की भी आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते इस घटना को अंजाम देने की प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है। जांच जारी है, जख्मी चाचा का मेडिकल कराया जा रहा है। फिलहाल आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता विजय कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ लाइव। इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गाँव पड़ता है नरोत्तमपुर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक 18 वर्षीय जो कि लड़का था उसका मर्डर हो गया है। मर्डर हुआ ना भैया? मर्डर हो गया। क्या नाम आपका है? कहाँ के रहने वाले? गाँव का नाम बताइए। हम उस लड़के के माता है, क्या नाम है? बाबा है। क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं। घटना यही हुई, वो लड़का जो है हमारा परिवार यहाँ भी रहता था, कोई मकान और पुराना मकान घर तो वहाँ गांव पे हम लोग भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, वहाँ हमारे जानवर रहते हैं और वो डेली जो है जानवरों को चरा करके लिया करके बांध करके तब यहाँ आता था, भोजन करता था और 8 बजे के लगभग या उसका फिक्स टाइम था लगभग। उसकी जानकारी आपको कब हुई? और उसी समय पर वो कल चला वहाँ से, हमसे कहा बाबा हम जा रहे हैं वहाँ घर पे, हमने कहा जाओ बेटा। अब वो घर पे नहीं आया तो यहाँ जो थे उनके पिताजी थे, उन्होंने हमारे पास फोन किया, इसकी शिकायत हम लोगों ने की है। वो अभी आया नहीं, कहाँ है बाबू? हमने कहा नहीं, देखो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं आया नहीं है, तो 10 मिनट फिर इंतजार किए, हो सकता कहीं से आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास पहुँचे, इस तरह से 2-3 बार आए गए और हम लोगों को ऐसा शंका नहीं था कि उसका कहीं से गायब हुआ। तो कब घटना के बारे में पता चला आपको, क्या हुआ, कैसे? उसके बाद जो है हमारा जो सबसे छोटा लड़का है उसके साथ भी ऐसी ही वारदात हुई। वह भोजन करके अपना बिस्तर लगा रहा था, झुक करके और पीछे से कोई आया और उसकी गर्दन पकड़ के दबोच करके और मुँह उसको पीछे खींच के घसीटा। उसके बाद जब वह छटपटाया तब थोड़ा सा मुँह खुला उसका, और मुँह खुला तो उसने आवाज़ लगाई तो उसके बच्चे ऊपर थे वो भी वहाँ से बोल गए। इतने में वो छोड़ के लगभग कितने बजे घटना है जो बता रहे हैं? घटना 9 बजे की है, इसके पहले 8 बजे की है। जो बच्चा जो वारदात यहाँ हुआ ये लगभग आपको कब पता चला? ये तो अभी सुबह में पता चला। सुबह पता चला आपको? तो क्या पुलिस विभाग यहाँ पे आया, क्या कार्रवाई कुछ हुआ? पुलिस को फोन किया गया, पुलिस यहाँ आ रहे उसमें भी एक घंटे के बाद आए। तो क्या आपकी मांग है, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इसकी उचित छानबीन करके उचित कार्रवाई की जाए और जो अपराधी है उसको दंडित किया जाए। पूछ लीजिए, क्या कहना आपका? हम नहीं, जैसे लोग बोल रहे आप यहीं रहने वाले हैं ना? जैसे कुछ पता है रात में आप फोन किए तो पुलिस को? मेरा नाम है। अच्छा, क्या हुआ, आप उनकी माता जी हैं? क्या मामला पूरा सुर्ख बताइए। बात यही है कि हमारा लड़का गाय चरा के वहाँ से आया, वहाँ पुराने घर हमारे बाबूजी थे, तो हम लोग कहें बाबूजी जी हमारे रात नहीं आया, बाबूजी कहे अभी गया है 8 बजे तुरंत गया है वहाँ पुराने घर से नए घर। हम लोग देख रहे थे कि अभी नहीं आया, हम बाबूजी के यहाँ फ़ोन किए, बाबूजी क्या कहे कि अभी गया है तुरंत, तो हम लोग कहें कि अभी नहीं आया, तब तक हम लोग खोजने लगे, तुरंत खोजने लगे, फिर खोज के फिर 8 बजे तुरंत गए थाने पे, यहाँ फोन नहीं लगा तो 8 बजे वहाँ गए हम लिखवाए पढ़वाए, अभी इतना टाइम हो गया 8-9 बजे तक पता नहीं चला हमारे लड़के का, पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं थी।
पुलिस आप लोग जब थाने पे गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ आपका? नहीं, पुलिस केवल एक बार आई बगल में पूछ के चली गई बस, और हाल चाल खाली ले रही है और कुछ नहीं कर रही है। हम तब से परेशान हैं, हमारी बड़ी वाली लड़की पुराने घर यहाँ एजेंसी में बगल में घर है वो यहाँ पे आई, हमारी लड़की को देखी सभी लोग मार के छोड़ दिए थे। वैसे कौन हुआ? तो किसी पे शक, किसी झगड़ा उनका हुआ था कुछ पहले, इसके पहले कभी कुछ हुआ? दो चार दिन पहले हुआ था, इनके हमारे बाबू जी को धमका रहे थे कि बगल की। कौन इसे किसी शक नाम वगैरह कुछ जानते हैं? बगल में जो हमारा हमारे घर वही धमका रहे थे हमारे बाबू जी को, कह रहे थे कि जब आएंगे वो तो हम उनको मारेंगे। कौन कौन कह रहा था मारने के लिए? बगल में नाम कुछ है बताइए। हाँ नाम हम बता रहे हैं। क्या नाम था जो धमका हम कर रहा था, क्या नाम है? कृष्ण चंद्र नाम है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, मतलब आपको शक डाउट नहीं है? अब हमने देखा तो नहीं, लेकिन जब हमको धमकी मिली तो धमकी हमको मिली है, धमकी मिली है मतलब कि धमकी के बाद ये घटना जो हुआ है। तो अभी पुलिस आई है तो पुलिस क्या कर रही है, कुछ कार्रवाई आपकी हुई? आप लोग यहाँ पे आज देख रहे हैं हम ये जो महाराज मंगला रोड आप लोग पूरा जाम किए हुए हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग को लेके आप लोग इकट्ठा हुए हैं? पुलिस आई है तो पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं करे, पुलिस अपना काम की और लास्ट लेके चले गए। हम लोग जबरदस्ती यहाँ रोके थे, लास्ट नहीं जाने के लिए सब था, सबको पुलिस ने बरामद करके लेके चले गए। सबको लेके चली गई, आपको कुछ इसके बारे में जानकारी? नहीं, तो हमारे इतनी वक्त सुबह भैरव जी से आए तब हमको जानकारी, यहाँ लाश रुकवाए, लाश रुकी थी तब तक फिर आई सड़क पर लेके आए लोग, फिर यहाँ से दरोगा जी कहे जाने दीजिए लाश फिर आई यहाँ यहाँ से ये इनसे कुछ क्या है तो कहने की लाश जाने दीजिए, तो लाश लेके चले गए। अच्छा, जो लड़का था वो क्या कर रहा था? अभी बी ए में था, पढ़ाई कर रहा था, बी ए पढ़ रहा था, बहुत सीधा साधा लड़का था, आईटीआई भी कर रहा था। क्या नाम था उसका? लगभग 18 साल उम्र, 20 साल था। चलिए ठीक है, जैसा कि हमने देखा इनकी माता थी, इनके माँ बाप थे, इन लोगों का साफ कहना है कि जो कि बच्चा दूसरे घर पे सोता था और उस दिन आया शाम को, इन लोगों ने काफी ज्यादा इंतजार किया लेकिन बच्चा घर पे नहीं आता, ये लोग शाम को जाते हैं महाराज में स्थानीय पे अपनी तहरीर वगैरह देते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई ये लोग बता रहे हैं कि नहीं हुआ। इसके बाद सुबह इनको पता चलता कि जो इनका लड़का है, क्या नाम था लड़के का? प्रभात। जो लड़का प्रभात है उसका जो शव है इनके घर के बगल में ही मिला ना, बगल में जो शव बरामद करता है पुलिस आई यहाँ पर, और जो भी छानबीन उसका है छानबीन कर रही है, अभी देखते हैं आगे जो भी होता है। आप देख सकते हैं ये जो महाराजगंज रोड है जहाँ पर पूरी तरीके से बांस वगैरह लगा करके जो परिजन इनके हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पूरी तरीके से जाम किए हुए हैं और लोग अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि पुलिस जो भी है इसका छानबीन करके जो इसकी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द इस पर पता करे कि कौन जो ये क्राइम किया, जो घटना को अंजाम दिया ये कौन है। फिलहाल अब देखते हैं कि जो रास्ता वगैरह ये कब खुलता है और जो इनकी कार्रवाई है पुलिस की, वो क्या कार्रवाई करती है, कब कार्रवाई करती है, कैसी कार्रवाई रहती है, ये तो अब देखने वाला बात होगा।